तरीके से बयान ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार बनाना और गिराना लोकतंत्र में जनता के हाथ में होता है। अगर हम 5 वर्ष के बाद चुनाव करते हैं उसका मतलब है कि जनता तय करेगी कि किसकी सरकार होगी, कैसी सरकार होगी। ये किसी व्यक्ति विशेष को ये अधिकार लोकतंत्र में नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। अगर आपने इस तरह से सरकार गिरानी है तो देश के अंदर इलेक्शन कराने की, इतना बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता क्या है? आप एजेंसी से, धनबल से, हर्ष महाजन जी ने पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर भी जिस प्रकार का पैसे का आप धनबल का प्रयोग हुआ, ये क्या उपलब्धि है? ये क्या कोई दिशा दिखाता है समाज को? कोई अच्छे ये संस्कार है कि आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको हिमाचल के लोगों ने 5 साल पहले जयराम की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। भाजपा ने पूरी कोशिश की कि हम दोबारा से रिपीट करें, पर जनता ने नहीं माना। लोकतंत्र की सुंदरता यही है। हम यही इनको समझाना चाहते हैं कि आप क्यों गिराना चाहते हैं सरकार। ये काम तो जनता का है, प्रदेश का, देश की जनता तय करेगी 3 साल बाद। उन्होंने 5 साल का मौका दिया है कि हमको काम करने का मौका दें। आप पिछले दिनों जो अभी बाई इलेक्शन हुए उसमें फिर से 40 का नंबर हुआ। लोगों ने फिर से इनको आईना दिखाया कि आप धनबल के जरिए जो ऑपरेशन लोटस आया था उसको गिरा दिया। आपको ये सीखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में लोग इस तरह की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो खुद तय करेंगे 5 साल बाद कि किसको सत्ता में आना और किसको विपक्ष में बैठना है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको इस चीज़ों को रोकना चाहिए। ये सरकार गिराने की जो बात करते हैं बार बार मीडिया में जाके, ये हिमाचल के लोगों के टेस्ट की बात नहीं है। ये 2 साल का जो हमारा कार्यकाल है 11 दिसंबर को पूरा होगा। हिमाचल प्रदेश में लोगों के सहयोग से कांग्रेस सरकार बनी, 2 साल का समय होने जा रहा है। और जो हम अपनी 2 साल की हमारी उपलब्धियाँ हैं, जो फैसले हैं हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे या जो कमिटमेंट थी लोगों से, या उससे भी बढ़कर जो एक मकसद है कि प्रदेश को एक नए दौर पर ले जाना है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति की बात करें या प्रदेश के अंदर और बड़े जो सुधार हैं, जैसे हमारा फोकस है कि हम अपनी रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ये सारी बातों को लेकर 2 वर्ष का जो कार्यकाल है उसका जो फंक्शन है वो बिलासपुर ज़िला में होना तय हुआ है। तो उसके लिए हम सब लोग तैयारियां करेंगे। सरकार अपने कार्यक्रमों का, 2 वर्ष का जो काम हुए वो ज़मीन स्तर पे कहाँ पहुँचे और अगला 3 वर्ष का हमारा क्या विज़न रहेगा लोगों के लिए, प्रदेश लोगों की सेवा के लिए, उसको लेके हम इसको 2 वर्ष का बिलासपुर के अंदर करने जा रहे हैं।